तो उत्तराखंड में उपनल के माध्यम से विभिन्न विभागों में काम कर रहे 22,000 से अधिक कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। वर्षों से काम कर रहे कर्मचारियों का मानदेय अब बढ़ सकता है। वहीं राजस्व कर विभाग से हटाए गए कर्मचारियों को भी फिर से तैनाती मिल सकती है। जानकारी के अनुसार कर्मचारियों के मानदेय के परीक्षण के लिए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडल उप समिति की आज होने वाली पहली बैठक में इन दोनों मसलों को प्रमुखता से रखा जाएगा। प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत उपनल कर्मचारी लंबे समय से मानदेय बढ़ाए जाने, नियमित नियुक्त किए जाने और हटाए गए कर्मचारियों की बहाली की मांग करते आ रहे हैं। कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन के तमाम आश्वासनों के बावजूद कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। हाल ही में राजस्व कर विभाग से 65 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जबकि कुछ अन्य विभागों का भी यही हाल है। नियमित नियुक्ति के कर्मचारी मिलते ही उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जा रही हैं। सैनिक कल्याण मंत्री के मुताबिक राजस्व कर विभाग से जिन कर्मचारियों को हटाया गया है, विभाग की ओर से उनमें से 35 कर्मचारियों को रखे जाने का आश्वासन भी दिया गया, लेकिन सभी कर्मचारियों को तैनाती मिले इसका प्रयास किया जा रहा है। तो आपको बताते चले, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कर्णप्रयाग के समीप चट्टान से भारी मात्रा में मलबा आने के कारण ये बंद हो चुका है। जानकारी के अनुसार सुबह करीब 11 बजे चट्टानी भाग से मलबा हाईवे पर आ गिरा था, जिससे वाहनों की आवाजाही वहां पर थम सी गई। एनएच की ओर से हाईवे को खोलने का काम भी शुरू कर दिया गया है। चमोली जनपद में ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग सोमवार देर रात सिरोहबगड़ में 10 घंटे बाद खोला गया था। वहीं सिंगटाली और आपको बताते चले कौड़ियाला और विष्णुप्रयाग में हाईवे बहाल हो गया, जबकि कर्णप्रयाग ग्वालदम राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं खोला जा सका। वहीं जिले में अब तक 67 मोटर मार्गों का संपर्क गांवों से कट चुका है। तो कार्बेट टाइगर रिजर्व के झुना रेंज में मोरों के झुंड में वन कर्मियों को एक सफेद मोर दिखाई दिया है। वहीं वन अधिकारी इसे अनुवांशिक परिवर्तन मान रहे हैं। कार्बेट प्रशासन ने वन कर्मियों को मोर की निगरानी करने के निर्देश भी दे दिए। झुना रेंज के कोठी रॉक के आसपास जंगल में गश्त कर रही वन कर्मियों की टीम को सफेद मोर दिखाई दिया। वन कर्मियों ने मौके पर लगे कैमरा ट्रैप की जांच की तो उसमें सफेद मोर की फोटो तो आई लेकिन साफ नहीं दिख सकी। इसकी जानकारी वन अधिकारियों को दी गई। वन अधिकारियों ने सफेद यानी कि अल्बिनो मोर के बारे में जानकारी ली। सफेद मोर अन्य मोरों के झुंडों के साथ था। इसके अलावा अन्य कोई सफेद मोर वहां मौके पर नहीं मौजूद था। सीटीआर निदेशक ने बताया है कि कॉर्बेट में सफेद मोर नहीं मिलते हैं। यहां नीले, काले, पीले, हरे रंग के मोर होते हैं। सफेद मोर पहले कभी नहीं देखा गया और ना ही कॉर्बेट के रिकॉर्ड में सफेद मोर का कहीं भी जिक्र है।